बिग बॉस 16 के इस कंटेस्टेंट ने हाल ही में अपने एक न्यू बिजनेस की है शुरुआत, जिसके बारे में उन्होंने जानकारी देने के बाद से फैंस की तादाद उनको कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए बढ़ चुकी है। आखिर इस दौरान उन्होंने इस एंटरप्रेन्योरशिप को स्टार्ट करने के बाद से, अपना ये बिजनेस स्टार्ट करने के बाद से पहली बार मीडिया इंटरेक्शन के दौरान किया है बहुत सारी खुलासा और अपने इस न्यू शुरुआत के लेके भी कहा है बहुत बड़ा बयान। आखिर क्या कहा है उन्होंने और किस कंटेस्टेंट की मैं कर रही हूँ बात, आइए देखते हैं इसकी पूरी डिटेल्स। सो हेलो एंड वेलकम टू फिफा फूज, मैं हूँ आपकी दोस्त और इस शो की होस्ट दीप्ति बिस्वाल। मुझे आपको बताते हुए बेहद खुशी हो रही है, बिग बॉस 16 के सबसे लोकप्रिय कंटेस्टेंट रहे शिव ठाकरे ने हाल ही में अपना एक न्यू बिजनेस की शुरुआत की है। जिस बिजनेस की शुरुआत उन्होंने बहुत पहले से सोच रखा था, लेकिन आज उस चीज़ को मुकम्मल किया है, आज उस चीज़ की उन्होंने शुरुआत की, जिस बारे में जानकारी मिलने के बाद सारी मीडिया टीम वहाँ मौजूद थी और इसके साथ साथ उन्होंने सबसे इंटरेक्शन किया, सबसे बातचीत किया। और मैं बता दूँ, शिव ठाकरे एक ऐसे कंटेस्टेंट और एक ऐसे सेलिब्रिटी रहे हैं डे वन से लेकर अभी तक, जिन्होंने कभी भी मीडिया को आगे टालने की बात नहीं की, इनफैक्ट इंटरव्यू देने के लिए कभी ना नहीं कहा है, हमेशा हमारे मौजूद रहे हैं। और इस दौरान एक और चीज़ उनका सामने आया कि उन्होंने इतनी जो नई शुरुआत की उसके बारे में भी पहले किसी को इन्फॉर्म नहीं किया था, ऐसा भी नहीं कि कुछ बिजनेस करने वाला हो, बट ये जब अचानक से स्टार्ट हो गया, जिस चीज़ को हैंडल कोई और करने वाला, लेकिन ब्रांड इन्हीं का ही है जिसका नाम है ठाकरे चाय एंड स्नैक्स। इस बारे में जब शिव ठाकरे से पूछा गया सवाल कि आप इस बिज़नेस के बारे में क्या कहना चाहोगे और क्या नहीं, तभी उन्होंने कहा था कि बहुत पहले से ही मैंने मेरे लाइफ में थैलियाँ बेचना स्टार्ट किया था, कांदे वगैरह में बेचता था, तो पहले से मेरे माइंड में बिज़नेस करने का ख्याल और बिज़नेस करने का दिमाग तो पहले से था, और एक नई शुरुआत मिल गया, एक प्लेटफॉर्म मिल गया। कहते हैं कि कभी कभार कुछ चीज़ों की वजह से हम एक मुकाम पे नहीं पहुंच पाते, लेकिन आज भगवान की दुआ है, सारी माओं की दुआ है। इनफैक्ट मैं बता दूँ, उन्होंने एक स्टेटमेंट में ये भी कहा कि सिर्फ मेरी मम्मी नहीं, बहुत सारे घर की मम्मियाँ मुझे सपोर्ट करती हैं। आज मेरे फैंस काउंट में सबसे ज़्यादा मम्मियाँ ही आ रही है, जिन्होंने मुझे इतना प्यार दे, जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया है, और ये सोचते हैं कि ये बंदा, ये लड़का बहुत आगे जाएगा, इसको सपोर्ट की सिर्फ ज़रूरत है, और मुझे इस वजह से बहुत सपोर्ट भी मिलता है। तो उन सभी के वजह से मैं आज यहाँ पर आया हूँ और इस मुकाम पे हासिल करने की मैं बात कर रहा हूँ। और ये जो बिज़नेस वाला था, तो मैं सोचा कि अपने नाम का ही क्यों ना एक ब्रांड बना के एक ऐसे छोटे से बिज़नेस से पहले स्टार्ट करें, फिर धीरे धीरे बड़ा करेंगे, क्योंकि उनको ये सवाल कहीं ना कहीं पूछा गया था एक इनडायरेक्ट वे से कि अब्दुल ने एक रेस्टोरेंट ओपन किया है और उसी के कंपेरिजन में आपने एक चाय एंड स्नैक्स का शॉप टाइप ओपन किया, उसके बारे में। तब उन्होंने शिव ठाकरे को ये चीज़ क्लिक हो गया कि ये क्वेश्चन किस एंगल से पूछा जा रहा है। तब उन्होंने डायरेक्टली ये चीज़ कह दिया, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन हर बड़ी चीज़ की शुरुआत कहीं छोटी चीज़ों से होती है, और मैं ये चीज़ हमेशा से माना हूँ, और मेरी मम्मी खुद, मेरी आई खुद ये चीज़ कहती है कि पैसा सब कुछ नहीं होता, पैसा बड़ा नहीं होता, पैसा ही सब कुछ नहीं होता, पैसा है लेकिन पैसा सब कुछ नहीं होता, सबसे बड़ी चीज़ अगर कुछ है तो आपकी इंसानियत है, आपका वे है, आप किस तरीके से बातें करते हो, किस तरीके से प्रेजेंट हो रहे हो लोगों के सामने, ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है। इनफैक्ट उन्होंने ये भी कहा कि मेरी आई बहुत बार मेरे पे भड़क के ये भी कही है कि अपना सेलिब्रिटी वाला पर्सनालिटी साइड में रखना, जब तेरे से कोई बात कर रहा हो ना तो उनके साथ बैठ के घंटों टाइम दे, उनसे बात कर, आज उन्हीं की वजह से तू इस मुकाम पे है। तो ये बात शिव की आई कि बहुत ही खास लगी, जिन्होंने अपने बेटे को इतना अच्छे वे से बताया कि बेटा तू इन्हीं को इग्नोर मत कर, जिन्हीं की वजह से तू आज इस मुकाम पे पहुंचा है। नो डाउट शिव ठाकरे अपने मेहनत से, अपने हार्डवर्क से और अपने लगन से इस मुकाम पे पहुंचे हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही, और खबरों के लिए आप देखते रहिए फिफा फूज।